महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धन कानून 1975 के अंतर्गत हर 5 वर्ष में पेड़ों की गणना आवश्यक है, पर निधि की कमी और कोविड संक्रमण की वजह से पेड़ों की गणना नहीं हो पाई। वर्ष 2011 के बाद अब 2022 में 14 करोड़ रुपए खर्च कर पेड़ों की गणना की जाएगी। शहर में 25 लाख से अधिक पेड़ों के होने के आसार है। शहर के पेड़ों की पुनर्गणना में 2 वर्ष का समय लग सकता है। यह जानकारी मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर ने पत्र परिषद में दी। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने बताया कि GIS और GPS टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पेड़ों की गणना होगी। पेड़ों को यूनिक नंबर दिया जाएगा। वर्ष 2011 में हुई गणना के अनुसार शहर में 21,43,838 पेड़ थे। पश्चिम नागपुर में पेड़ों की संख्या अधिक है, जबकि पूर्व, उत्तर और दक्षिण नागपुर में पेड़ कम है। ऐसे में जहाँ भी जगह उपलब्ध होगी वहाँ पेड़ लगाने की व्यवस्था की जाएगी। मनपा के उद्यान अधीक्षक अमोल चोरबगार ने बताया कि हुड़केश्वर और नरसाला नागपुर शहर में समाहित होने की वजह से निश्चित तौर पर पेड़ों की संख्या बढ़ेगी। स्थायी समिति में गणना के प्रस्ताव को मंजूर किए जाने के बाद निविदा निकाली जाएगी। नए अधिनियम के तहत हेरिटेज वृक्षों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। मनपा की आर्थिक स्थिति खराब होने और कोविड की वजह से गणना में विलम्ब हुआ। 2011 एक झाडांची मोजणी झाली होती म्हणजे जनगणना, तेव्हा 2011 या नागपूर शहरात 21,43,838 झाडे तेव्हा मोजली गेली होती। तेव्हापासून तर आजपर्यंत ते काही मोजणी झाली नाही आणि आता सध्याच्या परिस्थितीत हुरुकेश्वर नरसाळा हा भाग आपल्या नागपूर शहरात जोडला गेला असल्यामुळे अनेक झाडांची संख्या वाढू शकते आणि त्यामुळे ती मोजणी होणे आवश्यक आहे। ही मोजणी आम्ही करत असताना 10 सेंटीमीटरचे झाड गोलाईत आणि 9 फुटाचं वरच हे झाड आम्ही मोजणी करतो आणि ही जी मोजणी आम्ही करणार आहोत ती GIS आणि GPSच्या माध्यमातून करू आणि हेरिटेजचे झाडं आहेत त्या हेरिटेजच्या झाडाचं सुद्धा काउंटिंग आम्ही या माध्यमातून करणार आहोत। कॅमेरा पर्सन मायकल के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।